गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले पार्ट में हम लोग अपीयरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ की चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने डिटेल चर्चा की थी कि एक्चुअल डेप्थ क्या है, अपीयरेंट डेप्थ क्या है, ये अपीयरेंट वर्ड क्यों यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या है, सारी चीज़ें चर्चा हो चुकी हैं, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये बता रहे थे कि डिफरेंट कंडीशन में अपीयरेंट डेप्थ निकालना, उसमें पहला हम बताए थे आपको, पहला पॉइंट इफ, ये बताए थे, एक बार आप रिवाइज कर लें, इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयरर, यदि ऑब्जेक्ट डेंसर में हो और ऑब्जर्वर रेयरर में हो तो ऐसे केस में हम अपीयरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये डेंसर मीडियम है और इस डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हम हालांकि बता चुके हैं, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लें, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट O है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं रेयरर मीडियम से, ये रेयरर मीडियम है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप चाहें तो अपने आई से भी यहां से यहां की ले सकते हैं, चाहे सर्फ इंटरफेस जो आपका है यहां से भी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो यदि कोई न्यूमेरिकल लगाना हो तो आप सारे डिस्टेंसेज चाहें तो आप अपने आई से ले सकते हो, यदि आई से ना लीजिए तो इंटरफेस से लीजिए, लेकिन सारे डिस्टेंस एक ही जगह से लेने हैं, चाहे आई से लो चाहे इंटरफेस से लो। मान लीजिए हम इंटरफेस से ले रहे हैं, तो हमारा ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस, यहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम डी एक्चुअल कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, एक्चुअल ऑब्जेक्ट की, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डी एक्चुअल। लेकिन जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है और रेयरर से हम देख रहे हैं तो हमको जहां है वहां तो दिखेगी नहीं, थोड़ा सा और आंख के करीब दिखेगी, तो ऑब्जेक्ट थी यहां और दिखेगी यहां ओ डैश पर, तो इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की रियल जो डिस्टेंस है वो डी ए सी, और इंटरफेस से ऑब्जेक्ट जहां दिख रहा है उसी को अपीयरेंट डिस्टेंस कहते हैं, यानी इंटरफेस से रियल में ऑब्जेक्ट जितनी दूर है वो एक्चुअल डिस्टेंस और हमें दिख जहां रहा है वो अपीयरेंट डिस्टेंस। तो जैसे आप बाल्टी में पानी भर लो और एक क्वाइन डाल दो, तो सरफेस से रियल में जितना नीचे क्वाइन होगा आपको उतना नीचे नहीं दिखेगा, क्वाइन होगा बहुत नीचे और दिखेगा थोड़ा सा ऊपर, तो जहां क्वाइन रियल में है वो एक्चुअल डेप्थ और जहां दिख रहा है वो अपीयरेंट डेप्थ। तो यहां पर रियल में ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस एक्चुअल हो गई और यहां दिख रहा है तो ये अपीयरेंट हो गई। अब इनमें रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू डी एक्चुअल अपॉन डी अपीयरेंट, या अपीयरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू। अब इसमें तीन क्वांटिटीज हैं, डी एक्चुअल, डी अपीयरेंट, डी एक्चुअल और म्यू, कोई दो दिया रहेगा तीसरा निकाल सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू डी ए सी माने एक्चुअल डेप्थ अपॉन डी ए पी मीन्स अपीयरेंट डेप्थ। तो ये आपका फार्मूला है, चाहे से लिखिए चाहे से लिखिए चाहे से लिखिए, और कोई भी यदि न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो इन तीनों में से कोई दो दे देगा तीसरा निकालना होगा, तो ये पहला हेडिंग हो गया। इसी में दूसरा देख लें, इसी का रिवर्स, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर, यदि ऑब्जेक्ट रेयरर में हो और ऑब्जर्वर डेंसर में हो। यहां पर याद रखना कि यदि ऑब्जेक्ट डेंसर में हो और ऑब्जर्वर रेयरर में हो तो ऑब्जेक्ट और पास दिखेगा और नजदीक दिखेगा हमको, और यदि ऑब्जेक्ट रेयरर में हो और ऑब्जर्वर डेंसर में हो,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये इंटरफेस है और ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेडर मीडियम है। एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, इसको हम ओ मान ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है। और यदि इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व डेंसर मीडियम से करें तो ये हमको यहां दिखेगा ओ डैश पर, यानी इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये एक्चुअल हो गई और इंटरफेस से ऑब्जेक्ट जहां दिख रहा है वो डिस्टेंस अपीयरेंट हो गई। इसका मतलब कि इस हेडिंग में ये क्लियर है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट रेरर में रखा हो और आप डेंसर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको और दूर दिखाई देगा, यानी ऑब्जेक्ट है यहाँ, दिखेगा यहाँ। तो ऑब्जेक्ट रखा था ओ पॉइंट पर और जब आप डेंसर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको दिख रहा है ओ डैश पॉइंट पर। तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर रेरर में हो और ऑब्जर्वर डेंसर में हो तो ऑब्जेक्ट और दूर दिखेगा। ऐसे केस में यदि हम फार्मूला लिखें तो ये जो पहला पिछला फार्मूला बताए हैं इसी का रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ म्यू इज इक्वल टू डी अपियरेंट अपॉन डी एक्चुअल, यानी अपियरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्चुअल डेप्थ, इससे न्यूमेरिकल लगेगा। तो यहां पर इन दोनों हेडिंग में एक बार फिर जरा इसको शॉर्ट में रिवाइज कर ले कि यदि कोई ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा हो, ऑब्जर्वर रेरर में हो तो ऑब्जेक्ट हमें और पास दिखेगा, और यदि ऑब्जेक्ट रेरर में हो और ऑब्जर्वर डेंसर में हो तो ऑब्जेक्ट हमें और दूर दिखेगा। इन दोनों केसेस में यदि आपको अपीयरेंट डेप्थ निकालने का कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है तो यदि ऑब्जेक्ट डेंसर में, ऑब्जर्वर रेरर में, तो इससे न्यूमेरिकल लगाइए, इससे अपीयरेंट डेप्थ निकल जाएगा। और यदि ऑब्जेक्ट रेरर में हो, ऑब्जर्वर डेंसर में हो तो अपीयरेंट डेप्थ निकालने, इससे न्यूमेरिकल लग जाएगा। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। तो ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या इसको लैटरल शिफ्ट भी कह सकते हो। लैटरल की हिंदी पार्श्वीय होती है, पार्श्वीय विस्थापन, या इंग्लिश में इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्लास पीस है, ये ग्लास का पीस है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है और इस ग्लास की थिकनेस टी है। तो ये एक ग्लास स्लैब है जो डेंसर है अपने सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट, ये मान लीजिए डेंसर हमने बता दिया, बना दिया। अब इस ग्लास स्लैब पर मान लो कि एक रे बीम ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इस रे बीम ऑफ लाइट को ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यहां के बाद मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए रे बीम ऑफ लाइट अपने एक्चुअल पाथ से तो जाएगी नहीं, यहाँ से लाइट का पाथ चेंज होगा। लाइट का पाथ चेंज होकर किधर जाएगा ये जानने के लिए हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया। अब चूंकि लाइट आ रही है रेरर से डेंसर, मान लीजिए इधर की तरफ एयर है तो एयर रेरर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है। अब यहाँ देख रहे हो रे बीम ऑफ लाइट रेरर से डेंसर आ रही है, तो हमने बताया था कि जब भी लाइट रेरर से डेंसर आएगी तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी, तो अब ये लाइट ऐसे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई।
तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रेक्टेड रे हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हो गया। अब लाइट को जिस पाथ से जाना चाहिए था वो ये डॉटेड लाइन से दिखाया हूं, और जिस पाथ से लाइट जा रही है वो डार्क लाइन से दिखाया हूं। तो लाइट को जिस पाथ से जाना चाहिए था और जिस पाथ से जा रही है, दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को लैटरल शिफ्ट कहते हैं। यदि हम इस पॉइंट को ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, तो लाइट को जिस पाथ से जाना चाहिए था, जिस पाथ से जा रही है, दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लैटरल शिफ्ट कहते हैं। यानी वहां यहां पर वाई हो गया लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एक चीज और यहां देखें कि जैसे यदि ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा, और यदि इसमें से ये आर है, सिर्फ ये एंगल पूछा जाए तो ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। इस एंगल आई माइनस आर को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। यदि आप लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो आप ज्योमेट्री से इजीली निकाल सकते हो। आप ले लीजिए ट्रायंगल ओडीबी, फ्रॉम ट्रायंगल ओडीबी, इस ओडीबी ट्रायंगल में आप कॉस थीटा लगा दो इस ट्रायंगल में, तो यहां थीटा की जगह आर है, तो ये हो जाएगा कॉस आर इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया ओडी, हाइपोटेनियस हो गया ओबी। तो यहां से ओबी इज इक्वल टू, ओबी इज इक्वल टू हो जाएगा ओडी अपॉन कॉस आर। ओडी की जगह टी लिख सकते हो, और वन बाई कॉस आर का मतलब सेक आर, ये ओबी की वैल्यू हो गई। इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब हम ले लेंगे ट्रायंगल ओ सी बी, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी बी, यहां जरा साइन थीटा लगाइए, तो इसका ये एंगल आई माइनस आर है, तो ये हो जाएगा साइन आई माइनस आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया वाई और हाइपोटेनियस हो गया ओ बी, तो ये हो गया वाई अपॉन ओ बी। तो यहां से वाई इज इक्वल टू ओ बी इंटू साइन आई माइनस आर। अब इक्वेशन वन से ओ बी की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वाई इज इक्वल टू टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो इस तरह से किसी ग्लास स्लैब के ड्यू टू यदि लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट निकालना हो तो इस फार्मूले से निकल जाएगा। और यदि एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट निकालने को आता है तो जैसे हमने बताया है वैसे सॉल्व कर लीजिए। सिंपल सा ज्योमेट्री लगाना है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लैटरल शिफ्ट भी पूछता है तो इससे निकलेगा, और एंगुलर शिफ्ट भी पूछता है तो एंगल आई और एंगल आर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर शिफ्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेज नाम का ये सेकेंड चैप्टर आपका 10th क्लास कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो थर्ड चैप्टर है लेंस थियरी, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन चैप्टर्स में कोई डाउट हो तो आप हमें बताएंगे, हम फिर नेक्स्ट एक वीडियो बना करके डाउट क्लास की उसको क्लियर कर देंगे। इन चैप्टर्स को ढंग से तैयार कर लीजिए। तो आपका जो यूनिट लाइट चल रहा था उसके दो चैप्टर, एक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट ख़त्म कर दिया और दूसरा रिफ्रेक्शन थ्रू प्लेन सर्फेस ख़त्म कर दिया, और तीसरा चैप्टर लेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं।
ठीक है, तो लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और पीछे के दोनों चैप्टर को कायदे से तैयार कर लो, और यदि कोई डाउट है तो हमको बताना, तो इस चैप्टर के स्टार्ट करने के पहले हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। और यदि नहीं कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।